इसमें क्या बुराई है अगर मन्नत जॉब कंटिन्यू रखना चाहती है? मुराद, मुझे तुमसे ऐसे ओल्ड फैशन सोच की उम्मीद नहीं थी। नहीं, क्या ओल्ड फैशन सोच यार, हम लोग इतने मॉडर्न नहीं हुए कि बिना किसी से पूछे तैयार होके मैडम साहब घर से बाहर निकल जाए जॉब करने के लिए। और फिर ये एक्सपेक्ट करें कि किसी का कोई रिएक्शन नहीं है। मुराद, उसे जॉब की जरूरत होगी। उसने बताया था मुझे कि शादी के बाद तुम्हारे पास उसे हनीमून पे ले जाने का बजट नहीं था। मेरी फैमिली सिर्फ ये चाहती है कि हम किसी भी न्यूली वेड की तरह कहीं बाहर जाएं घूमने, क्योंकि तुम्हारे पास हमारे हनीमून के पैसे जो नहीं बचे। तो ये बात तुमने उनको बताई होगी कि मेरे पास हनीमून के लिए पैसे नहीं? तो मैंने झूठ तो नहीं बोला ना? यार देख, उसने तेरी जिम्मेदारियां मानने के लिए फैसला किया कि वो जॉब कंटिन्यू करेगी, तुझे उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। कैसे तुम अजीब दोस्त हो मेरे। मेरी सिचुएशन अंडरस्टैंड करने के बजाय तुम लोग मुझे इल्जाम दे रहे हो। यार मेरे घर का माहौल ऐसा नहीं है, और पहले तो मन्नत का कोई प्लान नहीं था शादी के बाद जॉब कंटिन्यू करने, अब क्यों? अम्मी इसकी हरगिज इजाजत नहीं देंगी। सारा मसला तो आंटी का। फिर सदाबहार मसला है, हमेशा से था और हमेशा रहेगा। ओके। मैं तुम लोगों के ताने सुनने ही मदद मांगने के लिए आया, और अगर तुम लोग मेरी मदद कर सकते हो तो प्लीज मन्नत को कन्विंस करो कि वो जॉब की जिद छोड़ दे, क्योंकि मुझे अपनी बीवी की फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं, मॉरल और इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। मर्द शादी के बाद कितना बदल जाता है ना। पहले तो इश्क में दुनिया बदलने के दावे करता है, और शादी के बाद बीवी से तवक्को करता है कि वो चेंज हो जाए। यार मेरी अम्मी तो ऐसी नहीं है, उनकी तो ख्वाहिश है कि तुम शादी के बाद भी जॉब कंटिन्यू करो। क्यों? वो चाहती हैं कि शादी के बाद घर का खर्चा मैं चलाऊं, कमाना तुम्हारा काम है मेरा नहीं। अब तुम औरतें कमाल चीज हो यार, तुम लोगों को हर काम अपनी सास की जिद में आके करना। वो जॉब ना करने दे तो बुरी, पर करने दे तो उससे ज्यादा बुरी। किसी हाल में खुश नहीं हूँ। अपनी मॉम से कह देना कि मैं शादी के बाद जॉब नहीं करूंगी। तो ना करो, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है। मैं तुम्हारी बात सुन भी चुका हूं और समझ भी चुका हूं, मगर इसमें मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। अगर कोई हेल्प कर सकता है तो वो है मन्नत। मन्नत? वो कैसे? मन्नत बड़े भैया की लाडली है, उसकी बात कभी नहीं टालेंगे, वो ही उनको मना सकती है। True. मन्नत को अभी तक मैंने कुछ बताया ही नहीं है। तो अभी बता दो, फोन उठाओ, कॉल करो। यार अजीब आदत है इसकी, फोन ही नहीं उठाती है कभी। क्या हो गया? इजी हो जाओ, रिलैक्स। फोन नहीं उठा रही तो हम चलते हैं उसके पास। हम दोनों? और कोई नजर आ रहा है? नहीं नहीं अगर कहते हो तो बड़े भैया को बुला लेता हूं। चलो चलो, कुछ नहीं होता, कमा। मैं जॉब करूंगी क्योंकि मैं करना चाहती हूं। तुम मुझे राय दे सकते हो लेकिन रोक नहीं सकते। एंड आई डोंट केयर तुम्हारी फैमिली क्या सोचती है। मैंने तुमसे शादी की है,
तुम्हारी अम्मा बहनों बहनों के शौहरों और उनके बच्चों की मर्जी पे चलने का ठेका नहीं उठा रखा मैंने। तो यू कहो ना, तुम्हारी मर्जी नहीं जिद। कैसे कह सकते हो तुम कि जॉब करना मेरी जिद है? मजबूरी भी तो हो सकती है। कैसी मजबूरी? क्या चीज में असर नहीं है तुम्हें इस घर के अंदर? जब मर्जी सोकर उठती हो, मेरी अम्मी ने आज तक तुमसे कोई घर का काम नहीं करवाया। क्या हम तुम्हें कोई भूखा मार रहे हैं? खाने को कुछ नहीं देते? मेरी छोटी छोटी जरूरतें हैं जो तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हुए पूरी नहीं कर सकते। फाइनेंसेस तो बहुत दूर की बात है, इस घर में एक मिनट के सुकून के लिए ना मैं तरस गई हूँ। पूरे दिन तुम्हारी बहनें लड़ती रहती हैं, उनके बच्चे चीखते रहते हैं, एक बदतमीजी चल रही होती है इस घर में। तो तुम इस सबसे बचने के लिए जॉब करना चाहती हो? सवाल मत करो मुराद जिसका जवाब तुम सुन नहीं सकते। तुम्हारे मुंह फटोने की कीमत ना किसी दिन हमारे रिश्ते को झुकानी पड़ेगी। क्या तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के तुमसे मिलने आया, वो भी इतने मुश्किल हालात में? तुम्हारे लिए मार भी खाई है मैंने, फिर भी खुश नहीं हूं। ठीक, तुम्हारे भाई के पिस्टल से निकली हुई गोली खा लेता ना फिर। बकवास बंद करोगे? अब संभल के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ इस वक्त? आप अपॉइंटमेंट देते हैं, हम उस टाइम आ जाएंगे। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। अब तो आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं, आपकी बहन का ही घर है। मन्नत है घर पे? मैं उसके फोन पे कॉल कर रहा था, वो उठा नहीं रही थी। एक्चुअली हमारा प्लान था तो उसने फोन नहीं उठाया, हमने सोचा कि हम घर ही चले आए। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। जी जी भाभी घर में ही है, आप अंदर आए ना। एक काम करे, गाड़ी भी अंदर पार्क करने है। वो हमारे हमसाई के बच्चे ना बहुत शरारत, नई गाड़ी देखते ना तो उन्हें कुछ होने लगता है। जब तक गाड़ी पे दो तीन लकीरें ना मार देना उन्हें सुकून नहीं मिलता। मैं एक काम करती हूँ, दरवाजा खोल देती हूँ। आप, मैं कर लेता हूँ। आए अम्मी, वो मन्नत भाभी के भाई आए। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वो हम मन्नत से मिलने आए थे। हाँ मैं जानती हूँ, मन्नत से ही मिलने आए होगे। लड़की के ससुराल को भला कौन आजकल इज्जत देता है? चल निकी, बैठाओ मेहमानों को, हैं? भाभी को बुलाओ। तुम लोग फोन भी नहीं किया आने से पहले? कर रहे थे तुम्हें फोन, तुम उठा नहीं रही थी, इसीलिए हम यहाँ पे आ गए। वो एक्चुअली मन्नत
साथ को तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? Is everything fine? अनंत, बात थोड़ी प्राइवेट है, तो अगर हम बाहर चल के बात कर लें। तुम्हें कोई इश्यू तो नहीं है ना? नहीं, अपनी फैमिली के साथ बाहर जाने में क्या मसला होगा। आंटी मैं आती हूँ, चल। कमाल, ना कोई पूछा ना कोई इजाजत, नई मर्जी लगाई ये सब। अब इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं, भाभी अपने भाई और कजन के साथ ही तो गई हैं। तू हर बात में बोला कर, बढ़िया ही भाभी की चमची। ठीक ही तो कह रही है अम्मी, जितनी बात हुआ करे ना उतनी ही क्या करे, इजाफी इल्जामात ना लगाया करे। लो फुप्पो जी, असल दुश्मनों की फौज तो आपने अपने घर में ही तैयार कर रखी। सही कह रहे हैं आप शौकत भाई, आप और आप ही है ना अम्मी को पंप करने के लिए, ये काफी नहीं है क्या? मेरी बात सुन, ये तो फैसल का गुस्सा हम पे क्यों निकालती है? अब तेरा मियां तुझे मुंह नहीं लगा रहा तो इसमें मारा क्या कसूर है? चौधरियां दी नू मुंह चौक के तुर पई मुने आए पीछे। पप्पू जी गाड़ी की राइड लेने गई होगी, कमाल आलीशान गाड़ी थी पप्पू जी। तूने हाथ में घड़ी देखी थी? कम से कम भी 10-12 लाख की होगी। इतना महंगा गिफ्ट तो कुछ ससुराल वाले ही देते हैं। कुछ लोग जिंदगी में मेहनत करके भी सब कुछ हासिल कर लेते, ससुराल वालों पर बोझ नहीं बनते। ये बहुत मुंह चल रहा है इसका, इसकी तो आदत है। बुत बन के खलोते हैं, जा फोन कर उन्हें। ऐसे मुंह उठा के चल पड़ी है लड़कों के पीछे, तुमसे इजाजत भी नहीं ली उसने। हाँ जानदा नहीं, जा जा के फोन कर सू। हेलो हेलो
क्या कह रहे थे तुम? लो जी, मैं ऐसे स्टोरी सुना रहा हूँ और ये कह रही है क्या कह रहे थे? Are you okay? Yeah, I'm fine. Oh, you're not fine. You're pretending to be fine and you're failing miserably at it. वैसे यहाँ पे मैं अपनी परेशानी सुना रहा था, लेकिन तुम तो मुझसे ज्यादा परेशान लग रही हो. क्या बात है मन्नत? मेरे सर में दर्द था, मैं नीचे दवाई लेने के लिए आई थी. आई सॉरी गाइस. तो प्लान बन गया, मैं आ गई तुम लोगों के साथ. बट खैर छोड़ो ना, तुम मुझे बताओ क्या कह रहे थे तुम. नहीं, वी कैन टॉक अबाउट दैट लेटर. पहले किसी डॉक्टर के पास चलें? नहीं, बस सर का दर्द है, मैं दवाई खाऊंगी ठीक हो जाएगा. प्लीज बताओ ना. रात की कॉल आ रही है. हेलो. हाँ, साथ में मन्नत से तो बात करवा यार, अपना फोन कर. मैं बात कराता हूँ. हेलो. कहाँ पर? मैं हमाद और साथ के साथ बाहर आई हुई हूँ, कुछ बात करनी थी. फौरन घर आओ. मैंने कहा ना, मैं अभी बात नहीं कर सकती हूँ. आई विल कॉल यू लेटर. बाय. पैर पड़ो मेरे. क्या कह रही हो? वही जो तुमने सुना, पैर पड़ के माफी मांगो. बिल्कुल वैसे ही जैसे नीचे अपनी माँ के पैर पड़ रहे थे. तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या बचकाना बातें कर रही हो? मैं बचकाना बातें नहीं कर रही मुराद. तुम जैसे नीचे छोटे बच्चों की तरह अपनी माँ के पैर पकड़ के गिड़गिड़ा कर माफी मांग रहे थे ना, वो बचकाना था. या फिर वो क्या था, कोई बहुत मर्दानगी वाला काम कर रहे थे? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मेरा भी दिल दुखाया है. तुमने मेरे भी पैर पकड़ के माफी मांगो ना, या उसमें तुम्हें शर्म आती है? कोई तुम्हारी मर्दानगी को ठेस पहुंचती है? मेरी दुआ है कि आने वाली जिंदगी का हर पल आपके लिए बहुत खुशगवार साबित हो. आप हमारे ये मामूली से तकाजे भी पूरे नहीं कर सकते? 40-50 लाख रुपए का सामान होगा, ये पैसे आएंगे कहाँ से? मैं यहाँ अपना बेटा ब्याहने आई हूँ और हस्बे मंशा पजीर आई ना मिली तो बारात दुल्हन के बगैर भी वापस जा सकती है. मैं इंतजार कर रहा हूँ, इसलिए मेरे हाथ. बारात बगैर दुल्हन के वापस जाएगी? मैं अभी इसी वक्त करीम का हाथ थामना चाहता हूँ. मन्नत, तुम्हें घर ड्रॉप कर दे? नहीं, खाना कौन खाएगा जो इतना ऑर्डर किया? ये सब पैक हो जाएगा. नहीं, हम खा रहे हैं, खा रही हूँ. लगता है शहजादी साहिबा की सवारी आ गई. जा निगी, दरवाजा खोल. नहीं, निगी क्यों जाएगी? मैं जाऊंगा, बड़ा बेटा हूं इस घर का. देख के आता हूं. भाभी जी, आप इतनी जल्दी वापस आ गई? आपको क्या मसला है? ना ना, मुझे क्या मसला होना है? आप जाने, चौधरी मुराद जाने, हम तो जी वैसे भी ना 3 में ना 13 में. अब मेहमानों को अंदर नहीं बुलाया आपने? ओ आजा आजा, चाय शाय पी के जाना. वो लोग अंदर नहीं आएंगे, तुम लोग जाओ. आई विल कॉल यू. ओके, अल्लाह हाफिज़. बाय.
लो जी, सिद्धि चली गई ऊपर, कुछ सलाम दुआ भी नहीं की। हमें क्या, अब जो होगा ऊपर ही होगा। गिरा पड़ा दे। ऐसे मुंह उठा के चल पड़ी है लड़कों के पीछे, तुमसे इजाजत भी नहीं ली उसने। मैंने कहा ना मैं अभी बात नहीं कर सकती हूँ, आई विल कॉल यू लेटर। बाय। मुझे बताए बगैर क्यों गई थी? तुम्हारी अम्मी को बताकर गई थी, तुम भी तो उन्हीं से इजाजत लेते हो ना। और वैसे भी छुप कर नहीं गई थी, तुम्हारा पूरा खानदान देख रहा था। लेकिन क्यों गई थी? घर में बैठ के बातें नहीं हो सकती थी? हमें कुछ पर्सनल बात करनी थी जो कि यहां सबके सामने नहीं हो सकती थी। और वैसे भी तुम्हारी सारी फैमिली हमारे इर्द गिर्द अपने कान लगाए खड़ी थी। साद और हमाद दोनों अनकंफर्टेबल हो रहे थे, उन्होंने बाहर जाने को कहा, मैं क्या कहती? तो तुम उन्हें कंफर्टेबल करने के लिए घर से बाहर चली गई, ये कौन सा तरीका है? तो ये भी कोई तरीका नहीं होता मुराद, कि मेरे घर से मुझसे कोई मिलने के लिए आया है, बात करने के लिए आया है, तो उसे बैठने का ना पूछा जाए, उसे पानी ना पूछा जाए, उल्टा सर पे सवार हो जाए ये जानने के लिए कि बात क्या चल रही है। कोई मैनर्स नाम की चीज होती है कि नहीं? हमाद क्या सोच रहा होगा तुम्हारी फैमिली के बारे में? तुम्हें हमाद के सोचने की फिक्र और मेरा कोई ख्याल नहीं है, जिसे तुम बताए बगैर चले गई। एटलीस्ट तो मुझे अपने साथ लेके जा सकती थी मन्नत, क्या मैं इस काबिल ही नहीं हूं कि तुम्हारे उस हमाद साहब के साथ बाहर जा सकूं? तुम चलते हैं हमारे साथ? Are you sure? तुम नहीं जाते, क्योंकि तुम पहले अपनी अम्मी से इजाजत मांगते और वो तुम्हें मना कर देती। और जो सच्ची बात है मुराद, मुझे तुम पर गुस्सा था जो कि अभी भी है, तो प्लीज मुझसे ज्यादा सवाल जवाब ना करो। वरना बकौल तुम्हारे मेरे मुंह फट होने की कीमत हमारे रिश्ते को चुकानी पड़ेगी, यही कहा था ना तुमने? और हमाद साहब से इतना जेलस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसके साथ नहीं अपने भाई के साथ गई थी, उसने मुझसे कुछ मशवरा मांगा था। बट अनफॉर्चुनेटली इस घर की टेंशनों की वजह से मेरा दिमाग इतना सुन हो चुका है कि मैं ना अपने भाई की बात सुन सकी, ना मैं उसको कोई मशवरा दे सकी, उसका मसला ही नहीं हल कर सकी मैं। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यहां पर बैठकर तुम्हें एक्सप्लेन क्यों कर रही हूं कि मैं अपने भाई के साथ बाहर क्यों गई। मैं तुम्हें बता रही हूं कि मैंने तुम्हारी फैमिली को बताया था व्हाट इज गोइंग ऑन बिटवीन अस राइट नाउ। मैं नहीं गुजार सकती हूं ऐसी जिंदगी मुराद। चुप कर जाओ यार, अब ऐसे भी मैंने कुछ नहीं कहा मुराद। यही सारा मसला है, जो तुम्हारे लिए सही है वो मेरे लिए गलत है यार। व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन अस, मैं नहीं लड़ना चाहती तुमसे। सारा सारा दिन तो फारिगी बैठी रहती है आपकी बहू, इसीलिए फूफो जी नौकरी करना चाहती है वो। आप ना उसे फारिगी ना बैठने दो। पिंकी, मेरी बड़ा चलती है भला, पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने उसको अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया था। मैं तो मसलहतन उसको बर्दाश्त कर रही हूँ,
कि कहीं मेरा बेटा घर छोड़ के दोबारा ना चला जाए। हमारा मुराद के अलावा और कौन वाली वारिस है भला? तो क्या करेंगी, फिर भी तो सब कुछ हाथ से निकलना ही है ना। ये बात भूल जाएं कि आप ममता की कसम देके खड़े खड़े मन्नत को तलाक दिलवा देंगे। और ये जमाना पुराना हो गया, ये घिसा पिटा तरीका ना नैयर सुल्ताना और शमीमारा की फिल्मों में ही चलता होगा। पप्पू जी आप ना मन्नत को मजबूर करो कि वो खुद घर छोड़ के चली जाए। लेकिन ध्यान से, मुराद को इस बात की कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। क्या से? मुराद के सामने कुछ और मन्नत के सामने कुछ और। वो इन दोनों के बीच इख्तलाफात कराना चुटकियों का काम है पप्पू जी। दोनों के दोनों भोले हैं, जज्बाती हैं, मासूम हैं। ऐसी मोहब्बत की कहानियां जितनी तेजी से परवान चढ़ती है ना, उतनी तेजी से जमीन पे टाएं टाएं फिश हो जाती हैं। ना होना डिप्रेस, तुम्हें याद नहीं है मन्नत की दफा भी यही हुआ था। भैया ने हर रिश्ते में कोई कीड़ा निकाला था और बस बात खत्म। कितनी लकी है ना मन्नत, बड़े भैया उसकी शादी के लिए मान गए। वो इसलिए माने थे क्योंकि ही थॉट कि अरेंज मैरिज। अब शादी के बाद मुराद को इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है ना, इसलिए पछता रहे। मेरे पास एक आइडिया है। बड़े भैया की शादी करा दे। है ना, उन्होंने तब शादी नहीं की जब उनकी शादी की उम्र थी और सारे इसरार कर रहे थे। अब तो जरूर ही करेंगे वो शादी। दुनिया का मुश्किल तरीन काम है ये भाई। बड़े भैया की शादी मुराद की बड़ी बहन से होनी चाहिए। वो भी बड़े भैया की तरह थोड़ी सी क्रैक है, बिल्कुल ठीक कर देंगे उन्हें। हाँ ठीक है, शादी करा देंगे। जब तुम लाहौर से आओगे ना तो रिश्ता लेकर चलेंगे। ठीक है, अब उठो, तुम्हारी फ्लाइट नहीं है। साफ पीछे की फ्लाइट है तो उठो, पैकिंग करो। मैरिज ब्यूरो क्यों खोल के बैठे हुए हो? थोड़ी देर आप बैठे देना। ठीक है भाई। क्या बात है इतरत, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मैं कब से तुमसे कुछ पूछी जा रही हूँ, तुम जवाब ही नहीं दे रही। देख मैं तेरी बड़ी बहन, मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं। 2 हफ्ते हो गए फैसल को इस्लामाबाद गए, ना उसने फोन किया, ना कॉल की, ना मैसेज किया। बीवी है, बेटी है, जरा तो शर्म करनी चाहिए ना। शौकत को देखा, 2 दिन के लिए मैं के आती हूँ, पीछे भागा भागा चला आता। मैं तो शौकत भाई तो फारिग है, उनके पास होता होगा टाइम बीवी बच्चों के आगे पीछे फिरने का। लेकिन फैसल को तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, और इन सब चीजों के लिए ना आपे कुछ चीजों की कुर्बानी देनी पड़ती। ताना मार रही है मुझे मेरे खावन की बेरोजगारी का, तो अभी मैं और क्या कहूँ? मेरे शोहर की हक हलाल की कमाई उधार लेके जुए में उड़ा दी शौकत भाई ने। मुराद भाई का अलग नुकसान किया। आपे हमने आज तक आपसे पैसे वापस मांगे नहीं ना? जितना भी नुकसान हुआ है ना, हमने चुपचाप बर्दाश्त किया। अब अगर कंपनी डिमांड कर रही है कि फैसल इस्लामाबाद वाले ऑफिस में आके काम करें, तो अभी आप मुझे बताएं हम किस मुंह से मना कर सकते हैं? हम हैं इस पोजीशन में? 3 महीने की तनख्वाह हमने शौकत भाई के हाथ में रख दी थी बिना कुछ कहे, यही सोच के कि शायद अब वो कुछ कर जाएंगे। लेकिन नहीं, शौकत भाई तो शौकत भाई ना। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक कहते हैं सब। औरत की इज्जत उसके खावन की कमाई में। लेकिन एक बात याद रखना इतरत, जिस मर्द पे दूसरी औरत का साया पड़ जाए ना, उसकी कमाई से बेहतर है कि उसको आग लगा दो। फैसल की मैडम देखिए कैसी नाज नखरे वाली है, ऊपर से अमीर बेवा।
लेकिन मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। पछता रहे ना आप अपनी प्रमोशन ऑफर रिजेक्ट करके? जी ठीक कहा आपने, मुझे लगता है उस ऑफर को मुझे रिकंसीडर करना चाहिए। क्या कहा आपने? इतरत मैंने फैसला कर लिया, मैं इस्लामाबाद ऑफिस ज्वाइन कर। ये कौन है? मेरी मैम है। मैम दिस माय बेटर हाफ। ले लीजिए। अगर तबीयत ज्यादा खराब है डॉक्टर के पास जाना। Sure, you're fine. No formalities. Actually, ऑफिस के लिए देर हो रही है। फैसल अगर आप रेडी हैं तो आप भी साथ ही चलिए। मैं अपनी गाड़ी में खुद ही आ जाऊंगा। मैम आप ऑफिस चलें, बस दो मिनट में मैं। जब एक ही जगह जाना है तो अलग अलग आने की क्या जरूरत है? भाभी आपने खाना खा लिया? चाय बनाओ। यार प्लीज। अभी बना। थैंक यू। फिर मेरे बेटे ने इजाजत दे दी है तुम्हें नौकरी करने की कि नहीं? मैंने इजाजत मांगी नहीं उससे। तुम्हें किसी बड़े ने ये बात सिखाई नहीं है कि शोहर को कभी भी उस नहीं कहते, उन कहकर मुखातिब करते हैं? हमारी बात हो चुकी है इस बारे में, उसे कोई एतराज नहीं है। और मेरे ख्याल से अगर उसे एतराज नहीं है तो किसी और को भी नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, हैं? मैं किसी और हूँ? मैं माँ हूँ उसकी। 9 महीने मैंने उसको पेट में रखा है, बेवकी काटी है, मेहनतें मजदूरियां करके मैंने उसको पाला है, पढ़ाया लिखाया है इस दिन के लिए कि तुम्हारे जैसी लड़कियां आए और उठ के मुझे ऐसी ऐसी बातें करें। तो फिर आंटी पैदा करने और पालने के साथ साथ थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी दे देती हूँ उसे, ताकि उसमें हिम्मत आ जाती है अपने किए हुए फैसलों को ओन करने की। अब तुम्हारे जैसी कल की चिलतर लड़कियों ने मुझे बताना है कि मैंने अपने बेटे की कैसे परवरिश करनी थी। पहले तुमने मेरे हीरे जैसे बेटे को फंसाया, अब तुम्हें उसमें नुक्स नजर आ रहे हैं। मैंने किसी को नहीं फंसाया आंटी, और आप मेरे कैरेक्टर पर इस तरह बात नहीं कर सकती। आपने जो कहना है आप अपने बेटे से कहिएगा, और जहां तक रही बात मेरी जॉब की तो वो मेरा और मेरे शौहर का मामला है। क्या हुआ है? हो रहा क्या है? ससा ते कोई मत दी गल भी दसन तो पुट्ठा उन्हां दे गले पै जांदियां ने। जे क्या हुआ मन्नत? कुछ नहीं, बस बात कर रहे थे। लग तो नहीं रहा कि सिर्फ बात हो रही है। क्या हुआ? अम्मी की आंखों में आंसू क्यों? क्योंकि वो तुम्हें दिखाना चाहती हैं। मैं भी अभी अपनी आंखों में आंसू लेकर आऊं तुम्हें दिखाने के लिए? मन्नत रेल देवे। मोहल्ले वाले सुनेंगे तो वो क्या कहेंगे? उन्होंने तो यही कहना है ना कि सास नंद ही जुल्म करती है, सास और नंद ही बुरी है क्या?